अजीजा ने गिरमी तो जो फरमायो मौला मुश्किल कुशादा शदादा मौला हुसैन अमीरुल मोमिनीन दिया कंधियां ते बैठी होए ने उमर ने नन्ने नन्ने हाथ मुबारक मौला हुसैन दे फड़े होए ने दुनिया वालियो इन्नी गल नहीं बल्कि उठा के उमर मदीने दिया गलियां विच चक्कर पहलवा दे ने झूले पै दे ने अली दे शहजादे नू झूले दिते जा रहे ने ओ दुनिया वालियो पढ़ो किताबा मैं वखोला आ मौला हुसैन दे हाथ उमर पाक ने फड़े होए ने कंधियां ते बिठाया अली दा शहजादा हुसैन दे छोटे छोटे कदम उमर पाक दे सीने ते निरे सीने ते नहीं जदों उमर चलदे ने जदों उमर चलदे ने हुसैन दे छोटे छोटे कदम उमर पाक दी ताड़ी नू पै लगदे ने उमर दी ताड़ी नू हुसैन दे कदम पे लगदे ने नबी दे गुलामो जिसले कदम लगदे ने इधर झूले दिते जा रहे ने उमर चक्कर पहलवांदे ने फारूक आजम अली दे पुत्तर नू झूले पे देंदे ने औतरो मौला अली आ गए ओ लोको अली आ गए मुश्किल कुशा आ गए शेरे खुदा आ गए अशदुल्ला आ गए वजहुल्ला आ गए कापे दा गुहर आ गया जहरा दा शोहर आ हसनैन दा पापा आ गया नबी दा वीर आ गया सुनिया दा पीर आ गया तुसी मेरे वल वेखो मंजर कशी करना ऐ जनाबे फारूक आलम झूला पै देंदे ने हुसैन दे छोटे छोटे कदम उमर दी धाड़ी नू पै लगदे ने अलीउल मुर्तदा ने आके वेखिया मेरा शहजादा अमीरुल मोमिनी दे कदियां ते अली ने जरा जलाल दे नाल ओ हुसैन उतरो जल्दी करो ओ शहजादे तुहाडे कदम अमीरुल मोमिनीन दी ताड़ी नू पे लगदे ने हुसैन थल्ले उतर जाओ हुसैन जल्दी करो थल्ले उतरो हले मौला हुसैन बोले नहीं उमर ने अली दे अगे हाथ जोड़ ए प्यारे अली ए प्यारे अली ना ना हुसैन नू मेरे कदियां ते रहण दे हुसैन नू ना उतारो अली ने फरमाया प्यारे अमीरुल मोमिनीन ए ते बच्चा है ए दे कदम थोड़ी ताड़ी रूपे लगदे ने उमर दियां अखियां विच आंसू जा रही हो गए फरमाया ए प्यारे अली ओ मेरी औकात की है मेरी हसीयत की है रब्बे मुहम्मद की कसम एक कदम ते मैं नबी दी ताड़ी नू लगदे बैठे ने उमर पाक बोले अली मेरी हसीयत की है मेरी औकात की है एक कदम ते मैं इमामुल अंबिया दी ताड़ी मुबारक नू लगदे वेखे ने ए सोने कदम ते मैं रब दे ताड़ी नू लगदे वेखे ने ते सुनियो नबी दे गुलामो मेरी मुहब्बत आंदी है उमर पाक ने भी एहो ही आख्या होवेगा अजमत आ ले नबी भूल न जा अजमत आले नबी लोगो अजमत जे तुसी नहीं पढ़ना चाहते कोई फर्ज वाजब नहीं एक मेरे ते सान कर छोड़ो जे नहीं पढ़ना चेहरा मुबारक थले कर लो इधर ओ वेखे जिन्हें मुहब्बत ना कहना है अजमत आले नबी नबी दा सदका तेरी जुबान नू कोई बीमारी ना लगे नबी दी आल नाल मुहब्बत इजहार करन वाले अजमत आले नबी भूल ना लोगो अजमत आ अजमत आ देखना ओ देखना गैर की बातों में नया ना उमर
अकबर पाक इलान पे कर देने देखना गैर की बातों दुनियादार समझते ने कि जिदी जनाब कोठी बड़ी वड्डी होवे ओदी बड़ी इज्जत है। कोई आंदा जी जिद कोल पैसे चोखे होण अकाउंट बड़ा वड्डा होवे ओदी बड़ी इज्जत है। कोई आंदा जी जिद कोल कारखाने या फैक्ट्रियां होण ओदी बड़ी इज्जत है। उमर पाक फरमा दे रहे ओ दुनिया वालों ए दुनियावी चीजा ने इज्जत वाली शै तेनू मैं दसना वा जी जी उमर बोलो। उमर की आंदे ने घर ये चाहो के तुम्हें इज्जत तौकीर मिले घर ये चाहो के तुम्हें इज्जत तौकीर मिले ते एक कोई शैवे उमर ओ केड़ी फरमाया अहले सादा को आंखों पे बिठाना लोगों अहले सादा लोगों अहले सादा को आंखों पे बिठाना लोगो अजमत आ हजूर दो गुलामो मेरे नबी दी आल नाल प्यार करने वाले कौन उमर वाह उमर तेरे कदमा दी खाक तो सदके नबी दी यार नाल मुहब्बत करन दा हक अदा कर छड़े। कौन फारूक आजम बड़ी मारूफ बात है। एक मर्तबा ना हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो माले गनीमत आया ते तकसीम पे करन तवज्जो है तुहाडी माले गनीमत उमर पाक अमीरुल मोमिनीन ने ते तकसीम पे कर दे ने लाइन लगी हुई है ते सारे लोग माले गनीमत उमर पाक को लाके वसूल कर देने पे ते जनाब अली जेड़ा आवे 500 जेड़ा आवे 500 जेड़ा आवे इत्थों तक उस लाइन में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उमर पाक का शहजादा अब्दुल्ला इब्ने उमर उस लाइन में सन वो अगे आए ने उमर पाक ने उन्होंने 500 दिता साइड से कर छड़िया। जिसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर 500 लिया वो भी साइड से खड़ोते ने नबी पाक दे गुलामो लाइन करीब आई ना ते मेरे उमर पाक ने देखा कि मौला हुसैन नजर पाई मैं वखाना उमर पाक फौरन मिंबर छड़िया दस्त बस्ता खड़े हो गए। मौला हुसैन नु करीब बुलाया शहजादे नु 1000 पेश कीता 1000 पेश कीता उमर ने लो हुजूर लज पालो कबूल फरमाओ ते उमर पाक ने कबूल और मिंबर छड़ के खड़े हो गए। जिस वक्त सारा माल गनीमत तकसीम हो गया ना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नु आपका शहजादा उत्तर उमर पाक दा आंदा अब्बा जी ना जी बेटा उन्हें क्या हजूर एक गल की समझ नहीं आई। फरमाया की गल है हजूर मैं ते उदो दियां जंगा लड़ना पिया जो हले हुसैन निके जे मदीने दियां गलियां में खेड़दे सन मैं ते उदो दियां इस्लाम दियां जंगा लड़ना पिया जो हले हुसैन पाक छोटे जे सन ते मैं अमीरुल मोमिनीन दा पुत्र ते जंगा भी इन्नियां पुरानियां लड़ ते मैनू 500 ते जिदे हुसैन आए ने तुसी खड़े हो गए हो हथ बन के ते हुसैन नु आधार एदी की वजह पढ़ो किताबां नबी दे गुलामो उमर दियां अखां जड़ा बे जिसले दी गल सुनिए जलाल न सुरख हो गया चेहरे ते जलाल आ गया। फरमाया ओए अब्दुल्ला इब्ने उमर जुबान बंद कर एक जुमला भी अगे ना बोली तेरा ते हुसैन दा की मुकाबला है। ओए अब्दुल्ला खबरदार जुबान बंद कर ले उमर अपने पुत्र नु पया दे ने ओए तेरा ते हुसैन दा की मुकाबला है। अब्दुल्ला इब्ने उमर पूछदे ने ए मेरे बाबा जान तुसी दसो फिर की वखरी शान है मौला हुसैन दी ते उमर पाक की आंदे होणगे हसनैन के दो नैन पे ओए अब्दुल्ला चुप कर जा एक जुमला ना बोली तेनु समझ नहीं आई तू की पया अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पूछा होगा ए मेरे बाबा जान की मतलब थोड़ा जा वजाहत करो ते उमर पाक ने की आख्या होगा हसनैन के दो नैन पे सिर्फ पढ़ा लिखने के वास्ते मैं आपका सुनना चाहना जरा ओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला इब्ने उमर चुप कर जाओ की पूछना है हसनैन ओए असीर नौकर असी गुलाम हसनैन के दो नैन पे सौ नैन तसक तक
नबी दो गुलामो थोड़ा जा सब इको कम करे जरा समझ आवे नबी दो गुलामो हजरत फारूक आजम की प्या दे उमर चुप कर जा जे हसनैन का पूछना है उमर हाथ बन के आंदे हसनैन के दो नैन पे हसनैन के दो नैन पे सौ नैन तसदक पढ़े लिखे बंदे नूं दावत मिलके कह लो हसनैन के दो नैन हसनैन के हसनैन के दो नैन पे सौ नैन तसदक हसनैन के दो नैन हसनैन के दो नैन पे सौ नैन तसदक हसनैन के दो नैन पे सौ नैन तसदक उमर किया देने ए अब्दुल्ला इब्ने उमर सौ नैन तो क्या चीज है सौ नैन तो क्या चीज है सौ नैन तसदक सौ नैन तो क्या चीज सौ नैन तो क्या चीज सौ नैन तो क्या चीज है तेन समझ नहीं तू क्या अब्बा जी थोड़ी जी वजाहत फरमा दो हुसैन पाक दे मुतल्लक जिन्हें सवाल किया अब्दुल्लाह इब्ने उमर ते उमर की बदले ओए अब्दुल्लाह इब्ने उमर तेरा ते हुसैन दा की जोड़े ओए हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं है हुसैन दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं हुसैन दी नानी वर्गी तेरी नानी नहीं हुसैन दी मां वर्गी तेरी मां नहीं हुसैन दे बाप वर्गा तेरा बाप नहीं तेरा ते हुसैन दा की जोड़े खबरदार अपनी जुबान बंद कर ए तो बात जुमला ना बोली असी ते गुलाम हां असी ते इन्हां दे गुलाम हां असी ते नौकर हां इन्ना जुमला होया ना हुण मौला हुसैन चुक उत्थे सन सारी गल सुनी के बाप बेटे दरम्यान की गल होई है हजरत मौला हुसैन घर चले गए हजरत मौला मुश्किल कुशा दे कोल जाके सारी गल सुनाई कि अबू जान इस तरह होया सी उमर पाक तकसीम फरमांदे सन पए ते अब्दुल्लाह इब्न उमर ने गल कीती है ते जनाब अली ऐ उमर पाक ने जवाब दिता है तो उन्हें कहा तुहाडा तेरा ते हुसैन दा की जोड़ है साडियां ते निस्बत ही कोई नहीं ओ जिहड़ियां हुसैन दे कोल ने असी ते गुलाम हां नबी दे गुलाम हो सुनो मौला मुश्किल कुशा की फरमाए जिसने अब्दुल्लाह इब्ने उमर हजरत मौला हुसैन जाके गल सुनाई ना कि अंज उमर पाक ने अपने पुत्र को जवाब दिता है ते मौला मुश्किल कुशा मुस्कुरा के फरमा दे रहे हुसैन ए उमर पता ही कौन ही तेरे नाने दी जुबान विचो मैं सुने कि उमर जन्नत दा चिराग है उमर जन्नत दा ए जुमला हजरत मौला हुसैन हजरत मौला मुश्किल कुशा सुना है। अच्छा मौला हुसैन फिर किसे काम नु अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम के दरबार में आए ना ते आके फरमाया प्यारे अमीरुल मोमिनीन मेरे बाबा जान फरमांदे ने पए उमर जन्नत दा चिराग है उमर जन्नत दा उमर जन्नत दा उमर जन्नत दा चिराग है ए जुमला मौला हुसैन ने आके मौला मुश्किल कुशा दा सुनाया फरमाया हुसैन एक मिनट की आखे तोडे बाबा हुसैन हुसैन किया क्या तेरे बाबे जी मेरे बाबा जान ने फरमाया मेरा उमर जन्नत दा चिराग है फरमाया हुसैन इक मिनट ओए अब्दुल्लाह इब्ने उमर जी बाबा फरमाया कागज पेंसिल ले आ छेती जल्दी जल्दी कागज पेंसिल ले आ उमर पाक नु आके लो बाबा जान फरमाया हुसैन ए ले जा जो तेरे बाबे आखे ना अपने बाबे नु जाके मेरे वालों तरला करो जो आखे जे लिख चढ़ो हाय हाय जो आखे हो बोलो जो आखे हो लिख दियो उमर पाक दे कोलो मौला हुसैन उस कागज पर अबू जान हो ना अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने पए कि जो तुसा फरमाया है वो लिख दियो अली पाक ने लिखया उमर जन्नत दा चिराग है कादी तेरी अली नाल मोहब्बत है के कादी मोहब्बत है जे तू अली जंगल नहीं मनदा है आवे खली ते मनन वाले बैठे ने अली पाक लिखया उमर जन्नत दा चिराग है ओ पर्ची दित्ती मौला हुसैन नु मौला हुसैन लाओ अमीरुल मोमिनीन मेरे बाबा जान ने दित्ती है नबी दे गुलामो अमीरुल मोमिनीन नो पर्ची फोल्ड की थी फरमाया ओए अब्दुल्लाह इब्ने उमर तेरा बाप तेनु नसीहत करदा है ए पर्ची साम जिसले मैं मर जाना ए अली दी तहरीर मेरे कफन विच रख छड़ी
अली दी तरीर मेरे कफन में चा मेरी मोहब्बत आंदी है पिछले उमर पाक ने मौला हुसैन नु इन्नी गल कीती होवेगी हुसैन लिया के तहरीर दी है ते उमर पाक ने नाले तहरीर अपने पुत्र नु दी होवेगी ए अब्दुल्ला इब्न उमर मेरी कबर विच रख छड़ी मेरे कफन विच अली दी तहरीर जड़ी है मेरे कम आवेगी ते मेरी मोहब्बत आंदी है उमर पाक ने भी एहो ही आख्या होवेगा किसी को कहीं की हुकूमत मिली है किसी को कहीं की हुकूमत मिली है किसी को कहीं का खजाना मिला मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं मुझे परचे तन का कराना मिला मैनू भी यकीन है ये सारे पंचतंत्र नौकर बैठे ने मैं एक बारी तुहानू ताप दी फिकर देना चाहना जिहड़ा पंचतन पाक दा नौकर जरा हत्थां नू बुलंद करके ऐलान इकरार कर लो मैं अपने मुकद्दर ते कुर्बान मैं अपने मुकद्दर ते कुर्बान जाऊं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं मुझे परजे तन का मिला मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं मुझे परजे तन का वाह हुसैन तेरी शान तो सदके ते उमर तेरे मनन तो सदके कौन हुसैन हुसैन तेरी गर्दे रात तो कुर्बान जन्मी कुत्ते अली का पुत्र वो डिमांड करना पे जा दफा जा तेरी शाम ख्याली है मेरियां रगा में अली शेरे खुदा दा खून मेरियां रगा में अली शेरे खुदा दा खून है मेरे बाप ने बैत की थी ते अबू बकर ने थंद बैत की थी जे अल्लाह ने फिर मौका दिता मेरे बाप नु ते मेरे बाबा जान ने उमर पाक दा ते बैत की थी जे अल्लाह ने फिर मौका दिता है ते मेरे बाप ने उस्मान गनी दे थंद बैत की थी तू अली नु एडा ही माड़ा समझना कि जे अबू बकर हक ते नहीं उमर हक ते नहीं अली एवं बैत करदे ने ओ कोई तुहाडा अली होवेगा साडा अली ते शेरे खुदा है साडा अली अली पाक दा अबू बकर पाक दे हक ते बैत करना उमर दे हक ते बैत करना इन्हां दे हक होण दी दलील है तो मैं अगे भी तुहानू जुमला सुनाया फिर सुन लो जो उमर पाक ते नहीं पाक दी अबू बकर पाक दी गल आ गई है नबी पाक दे गुलामो और एक इल्जाम तराशी नहीं और बाकी मैं हुण पढ़िया भी है अगे मैं सुनिया सी हुण मैं पढ़ भी लिया हदीसे पाक भी है तुहाडी तवज्जो है बस आखिरी बात सुना के बाद खत्म कर लिया हदीसे पाक भी है की और ये मैं सुनिया सी पहला पढ़िया मैं बाद में जेड़ी गल सच्ची होवे मननी चाहिए पढ़िया मैं बाद में पहला मैं एक शिया जाकर को हदीस सुनी है आ फेसबुक सोशल मीडिया के दौर है रात मैं भी एक बार पिछले साल की गल मैं तकरीर करके रात को वापस आया और नींद लेऊंगी मैं जनाब वो शुरू फेसबुक पे देखने लग पिया अगे एक शिया जाकर का क्लिप मैं सेव किया वो शिया जाकर का क्लिप आ गया वो मजलिस पढ़ता पता की आंदा ओए मोमनो आओ मैं तुम्हें सहरा दे बाबे का फरमान सुनावा तेरे ते मेरे नबी ने फरमाया कि जिथे मेरा हुसैन दफन है हाय हाय हजूर दी हदीस पाक ने सुना उन्हें आख्या हदीस मुस्तफा है तुहाडी मेहरबानी ए गल मेरे को
मेरी सारी तकरीर एक पासे ऐ हदीसे पाक सुन लो अगो जिवें तुहाडा दिल करे उवें अपने नु मन लिया जे नबी पाक दे गुलामो ओ शिया दा तरां दे मोमनो ज़हरा दे बापे दा फरमान है अली दे आका दा फरमान है हसनैन दे नाने दा फरमान है मेरे नबी ने फरमाया जिस जमीन दे टुकड़े विच मेरा हुसैन आराम करदा पिया मेरे हुसैन दा जिस्मे नाज़नी हुसैन दा जिस्मे पाक जमीन दे जिस टुकड़े च आराम करदा पिया ओ करबला मौला सिंधी सरजमीन जिथे हुसैन दा जिस्मे नाज़नी आराम पे करदा है ओने आख्या मेरे नबी ने फरमाया जिथे हुसैन दफन है उस इलाके विच उस सरजमीन विच जेड़ा 40 मील तक जिथे हुसैन की कब्र मुबारक है जेड़ा मेरे तुहाडे वर्गा गुनाहगार 40 मील तक उस इलाके ते उस टुकड़े विच दफन हो जाए उन्हें आख्या ज़हरा दे बाबे दा फरमान है हुसैन की बरकत नाल जन्नती है जेड़ा ने मुस्कुरा के सुभान अल्लाह नहीं नहीं किया मैं की समझाया ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਜੀ ਸੇ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਤਲਗਾਹੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਆਰਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬਣਾ ਛੜੇ अल्लाह की कसम हुसैन ने उन्हां दियां नस्लां आबाद कर छड़ियां ने इतनी अजीम कुर्बानी तो बाद और जगह हजूर दा फरमान जिथे मौला हुसैन जमीन दे टुकड़े चराम पे करदे ने मेरे तुहाडे वर्गा गुनाहगार 40 मील तक किन्ना 40 मील तक जेड़ा उस जमीन दे टुकड़े दफन हो जाए हुसैन की बरकत नाल ओ जन्नती है हुसैन की बरकत नाल ओ जन्नती है और हुन नबी दे गुलामो इत्थों तक शिया जाकर गल सुनाई हुन मैं तुहानू दसना चाहना ओने गल ठीक कीती है सुनियो ओदी गल 16 ने में वाकई हदीसे पा गए ओए जिस जमीन दे टुकड़े विच मौला हुसैन आराम पे करदे ने 40 मील तक जेड़ा मेरे तुहाडे वर्गा गुनाहगार उथे दफन हो जाए हुसैन की बरकत नाल ओ जन्नती है मैं पूछना चाहना मौलवियो ते साकरो किथे हुसैन होवे ते 40 मील तक जेड़ा मेरे वर्गा गुनाहगार दफन हो जाए हुसैन की बरकत नाल ओ ते जन्नती है जिथे हुसैन दा नाना होवे जिथे हुसैन दा नाना होवे ते हुसैन दे नाने दे कदमां दे विच अबू बकर भी होण हुसैन दे नाने दे कदमां दे विच उमर पाक भी होण ते थोड़े जे फासले ते हुसैन दी अम्मा दे कोल उस्मान पाक भी होण क्यों कौम नु लड़ांदे हो पे क्यों कौम नु तफरके विच पांदे हो पे क्यों कौम नु नबी दी आल दे साहब दे जेड़े दर तो दूर कर दियो ओ सुनियो हाथ जोड़ के तरला करना चाहना साडी बका साडी सलामती असहाब दी गुलामी विच वी है ते आल दी गुलामी विच एक नु भी छड्डो के गुमराह हो जाओगे राह रास्ते भटक जाओगे अहले सुन्नत मैं कह चलिया असी तेरे 40 मील मन्नी बैठे तू साडा एक फुट नहीं मानदा पिया ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇ ਅਸੀਂ 40 ਮੀਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਮਰ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਐਡੀ ਵਿੱਕੀ ਯਾਰ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਹੱਦ ਧਰਮੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਹੋਣ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਸੀਦੇ ਪੜਦੇ ਰਹਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ हुसैन तेरा नहीं हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं करीम इतना हिसाब कोई नहीं हुसैन ते हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं
करीम इतना हिसाब कोई नहीं, तू घर तक घर भी लूटा छोड़े ने, तू घर तक घर भी लूटा छोड़े ने, ओ तेरे वरगा ओ तेरे वरगा नवाब कोई नहीं, तू घर तक घर भी लूटा छोड़े ने, ओ तेरे वर कौन हुसैन वालेना किसे फासिक फादर जानी शराबी देते हैं दिल्ली का पुत्र बात नहीं कर सकता। उन्हें क्या हुसैन की अन्न पिया ताकत मेरे कोल है फोर्स मेरे कोल है, फरमा लई ना तेरी ताकत लानत तेरी ताकत है अली दी शुजात मेरे कोल है। उन्हें क्या हुसैन हुकूमत मेरे कोल है इक्तदार मेरे कोल है, फरमा जुत्ती तो वार के पार छुट्टा तेरी हुकूमत जनती जवानों की सरदारी ना ने सानू दी। उन्हें कहा हुसैन ना कर पुत्र कुर्बान होनी गए भतीजे कुर्बान होनी गए पांजे वीर नस्ल तेरे छोटे छोटे बच्चे शहीद कर देते जान गए जुल्मन जुल्मो बर्बरियत का शिकार कर देता हो जाएगा हुसैन हर चीज तेरी शहीद कर देते जाए नुकसान हो जाएगा। फरमा लेना मैं हर चीज ते कबूल कर सकना पर नाने दे दीन नु दागदार होता कबूल नहीं कर सकना। यजीद ने आख्या हुसैन पुत्र कुर्बान होंगे भतीजे कुर्बान होंगे वीर कुर्बान होंगे, फरमाया लई ना हर शह कुर्बान करांगा पर नाने दे दीन नु दागदार नहीं होण देवांगा। एहो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए ओ लुटी जाए भावे चोक हुसैन दी अज नाने दा जिंदा ओ इस्लाम रह जाए। फरमाया लई ना किसे सूरत अली शेरे खुदा दा खून बैत नहीं करेगा। मुसलमाना हालात खराब हो गए तवील बात मुख्तसर करना मेरा इमाम मदीने शरीफ तो जानदा फैसला फरमाया है। फरमाया मैं मदीने शरीफ दियां गलियां सैयदां दे खून नाल रंगीन नहीं करना चाहता। ये मेरे नबी दा शहर है ये मेरे नाना पाक दा शहर है इन्हां गलियां विच मेरे नाना जहान चलते रहे ने इन्हां गलियां दी बेहुरमती हुसैन कोलो कबूल नहीं। नबी दे गुलामो मेरा इमाम मदीने पाक तो जिसले रवानगी दा फैसला फरमाया है तो मेरे नबी दे गुलामो खानदान दे कुछ अफराद नू इकट्ठा कीता ए ज़ैनब जी वीरा हुक्म होवे उम्मे कुलसूम तुसी भी आ जाओ ज़ैनब तुसी भी आ जाओ ए मेरी शहजादी फिजा तुसी भी आ जाओ ए शहरबानो तू भी आ जाओ आओ अज मदीने पाक तो जान दा वेला ए अपने नाने नू आखरी सलाम अर्ज कर आवीए। हुसैन नाने दे दरबारे दुर्रे बार ते जांदे ने नाने दे कदमां विच खड़े हो के अर्ज कीती मेरे आका हुसैन जा रिहा ए ए मेरे नाना तेरा हुसैन जा रहा है ओ हुसैन है जड़ा मोहरे नबूवत ते खेडन वाला है ओ हुसैन है जड़ा तेरी मोहरे नबूवत ते खेलन वाला है तेरिया जुल्फां नू मुहारा बना के चलन वाला है। आता दुआ कर जे जिसले मेरा नन्ना अली असगर मेरी गोद विच तड़पे हुसैन दे पाए सबात नू लगजश ना आवे ए मेरे बाप नाना दुआ कर आजे जिसले मेरे जवान का समझी जवानी लुटे मेरा अली अकबर तड़पेगा मेरे ओनो मुहम्मद दे लाशे डिगणगे मेरे वीर अब्बास दे बाजू कलम होणगे ए मेरे नाना दुआ कर आजे मैं तेरे दीन दी लज रखण वास्ते जा रहा वा तवील बात नबी दो गुलामो सलाम अर्ज करके हुसैन जन्नत तुलपति शरीफ वल अम्मी जान दे कदमां ते ए मेरी मम्मी जान तेरा हुसैन।
हुसैन जा रहा है, ए हो हुसैन जड़ा कुरान दियां लोरियां सुन के सौन वाला है, ए मेरी अम्मा मेरी वास्ते दुआ करी, मैं अपने नाने दे दीन नू बचान वास्ते जा रहा वा। हजूर जो गुलामों तवील बाते सलाम अर्ज कीता है, अम्मी जान नू नाना जान नू सलाम कीता है, वापस घरां वाले आ रहे ने। हुसैन ने पिछे मुड़ के वेखिया है, नन्नी सगीना नाल कोई नहीं, फरमाया ज़ैनब जी वीरा हुकम होवे, फरमाया मेरी सगीना किथे वे, अर्ज कीती वीरा नाल ही सी, पिछे मुड़ के वेखिया है सैयदा सगीना अपने नाने दे मिदार ते बैठ के जारो कतार पया रोंदियां ने, आंदियां की ने गे मेरे नाना जान पकड़ के जाली रोजे वाली, कर दी अर्ज सकीना कमली वालिया छुट चल आए तेरा शहर मदीना। मेरे हजूर दो गुलामो काफला घर आ गया, इमाम मुख्तार तवील बात है, इमाम पाक ने फरमाया सुगरा अर्ज की जीवी का हुक्म होवे, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तू भी आ ना, काशम तू भी आ, औनो मोहम्मद तुसी भी आ जाओ, ज़ैनब और कुलसूम में कुलसूम तुसी भी आ जाओ। निशूरा वेख ले अज वीर अली अकबर नु ओरे मुड़ जिंदगी वफा करे के ना करे, अज रज के प्यार कर ले अपने वीर अली असगर नाल, अज औनो मोहम्मद नाल प्यार कर ले, तेरा बाबा तेरे नाने दे दीन दी बका वास्ते जा रहा है। नबी पाक दे गुलामो जिसले इतनी बात हुई ना, सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा दी अखां विच आंसू ने, फरमाया मेरे बाबा जान मैं किवें वीरां तो बगैर गुजारा करांगी, फरमाया बिटिया तेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरा वीर एक महीने तो बाद आएगा ते आके तेनू लै जाएगा, परेशान ना हो, सफर दियां सौगतां ने सफर दियां जिहड़ी शिद्दत है और हालात भी ऐसे नहीं। नबी पाक दे गुलामो इधर सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ियां ने, मेरे इमाम ने बेटी दे सिर ते दस्ते शफकत फेर के काफिला चलाया ना, फिर किवें मेरा इमाम तीनू छड़ के मदीने ते काफिला लैके मदीने पाक चो निकलिया होवेगा, फिर क्या हालात हो, फिर जो सैयदा सुगरा काफले दे पिछे पिछे, फिर वीर अली अकबर ने शहजादी नू प्यार कीता, नहीं मेरी ये भैणे मैं तेनू आके लै जांगा। इमाम मदीने पाक चो निकल के फिर मैदाने करबो बलावल, करबला दा मुसाफर इमाम बनिया, फिर चूंकि अगला जुमातुल मुबारक मुहर 10 मुहर्रमुल हराम दे करीब होवेगा, मैं अगले जुमातुल मुबारक नू मदीने पाक तो रवानगी और शहादत इमाम अली मुकाम, शहादत इमाम अली मुकाम में अगले जुमातुल मुबारक नू बयान करांगा मदीने पाक रवानगी, और उस तो फिर अगले जुमे जड़े ने वर्दीगर शहादिया शहादा दिया शहादत इंशाल्लाह मैं अगले उस तो अगले जुमातुल मुबारक नू बयान करांगा। अगले जुमे मदीने पाक तो इमाम किवें टुरिया, गली गली मदीने दी चीख उठी, जदों करबला दा शाह सवार टुरिया, एते जिगरा हुसैन दा ही सायम किवें छड़ के बच्ची बीमार टुरिया, किवें मेरा इमाम मदीने पाक चो गए ते नाने दे दीन दे बका दे वास्ते, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारा अगले जुमातुल मुबारक में बयान करांगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।